बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ये उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक हमारा है सूर्यताप। तो आज हम लोग बात करेंगे सूर्यताप पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सूर्यताप किसे कहते हैं। तो सूर्य और ताप, सूर्य से जो ताप पृथ्वी को प्राप्त होता है, यानी सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को हम कहते हैं सूर्यताप। ठीक है, सूर्य से जो पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। किसके रूप में? लघु तरंगों यानी शॉर्ट वेव्स के रूप में प्राप्त होती है। अभी हम बात करेंगे ये लघु तरंगे और दीर्घ तरंगे क्या होती है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अब सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी को मिलती है, ये सौर ऊर्जा का 2 अरबवां भाग होती है। ठीक है, 2 अरबवां भाग, यानी पृथ्वी को सूर्य की ऊर्जा का मात्र 2 अरबवां भाग ही मिल पाता है। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो। ठीक है, ये एल्बिडो क्या है, इस सबको आप लोग अच्छे से समझते चलिए, ये आगे आप लोगों को बहुत काम में आने वाला है। तो मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह पर ये जो सूर्य से ये ऊर्जा आई, मान लेते हैं सूर्य से 100% ऊर्जा आई, इसमें से ये जो पृथ्वी का भाग है या कोई भी सतह है, ये 10% ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और 90% को ये क्या करता है, लौटा देता है। ठीक है, यानी किसी सतह को जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है और वह सतह जो सौर ऊर्जा लौटाता है, तो ये लौटाया और ये प्राप्त किया, इन दोनों के अनुपात को कहा जाता है एल्बिडो। यानी किसी सतह के द्वारा, कोई भी सतह हो, किसी भी सतह के द्वारा या किसी भी सतह को जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है और वह जो सौर ऊर्जा लौटाता है, इन दोनों के अनुपात को कहा जाता है एल्बिडो। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं वायुमंडल में ताप संचरण की विधियां। तो वायुमंडल में जो ताप संचरण की विधियां हैं, इन विधियों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली जो विधि है इसका नाम है विकिरण। ठीक है, विकिरण। दूसरी विधि का नाम है चालन। तीसरी जो विधि है इसका नाम है संवहन। और चौथी जो विधि है इसका नाम है अभिवहन। तो अभी पहले हम लोग इन 4 विधियों को डिस्कस कर लेते हैं, और ये जो अभी मैंने यहाँ लघु तरंगों की बात की थी वो हम लोग विकिरण में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं विकिरण में। तो विकिरण किसे कहते हैं, आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में इसको पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार इसको फटाफट से ब्रीफ कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। तो विकिरण जो है ये ऊष्मा के संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक बिना माध्यम को प्रभावित किए पहुंच जाती है। ठीक है, इसको आप एक ऐसे एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए ये एक अंगीठी जल रही है, अंगीठी जानते हैं ना, कोयले का चूल्हा जल रहा है, इसमें कोयला इस तरह से बर्निंग हो रहा है, और एक व्यक्ति यहाँ पर चारपाई में बैठा हुआ है गर्मी के दिन में। तो यहाँ जो कोयला जल रहा है, इससे ऊष्मा इस व्यक्ति से, ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जा रही है, लेकिन ये जो बीच में माध्यम यानी बीच में जो ये हवा है, क्या ये हवा भी गर्म हो रही है? तो हवा गर्म नहीं होती है, सिर्फ ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है, बीच का जो माध्यम है ये अप्रभावित रहता है। तो इस विधि से जब ऊष्मा का संचरण होता है, तो इस विधि को हम कहते हैं विकिरण। विकिरण जो है ये बहुत, जो बहुत गर्म वस्तुएं होती है वही विकिरण उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, तो जैसे ये कोयला गर्म है तो इसकी गर्मी इस व्यक्ति को महसूस होगी, लेकिन बीच का जो वातावरण यानी बीच की हवा गर्म नहीं होगी। तो ठीक यही चीज हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी होता है। सूर्य जो आसमान में चमक रहा है, ठीक है, सूर्य की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा इस तरह से पृथ्वी तक पहुंचती है, ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य की ऊर्जा यहाँ से पृथ्वी तक पहुंचती है। किसके द्वारा पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन है? वायुमंडल है। तो चूंकि सूर्य की ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा पहुंच रही है, इसीलिए बीच में ये माध्यम यानी वायुमंडल को प्रभावित नहीं करेगी और वायुमंडल गर्म नहीं होती है। और
इसका दूसरा फायदा यह है कि सौर ऊर्जा बिना नष्ट हुए, बिना नुकसान हुए यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, यानी यहाँ से जो ऊर्जा चलेगी यहाँ तक वही ऊर्जा पहुँचेगी। चूंकि ये विकिरण के द्वारा आ रही है इसीलिए इसमें सौर ऊर्जा का बीच में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये माध्यम को ना तो प्रभावित करेगी और ना माध्यम में इसका कोई भी लॉस होगा। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सूर्य से जो ऊर्जा आती है ये विकिरण के द्वारा आती है, साथ ही साथ ये जो विकिरण में दो तरह की तरंगे होती है, एक लघु तरंगे और दीर्घ तरंगे। तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है पृथ्वी तक ये आती है लघु तरंगों के रूप में। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा आई ये किस तरह से आएगी, लघु तरंगों के रूप में। अब ये पृथ्वी से इस तरह से टकराएंगी, पृथ्वी इसका कुछ हिस्सा अवशोषित करेगा और बाकी हिस्से को इस तरह से लौटा देगा। तो जो पृथ्वी लौटाता है इसे हम लोग कहते हैं भौमिक विकिरण। क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं भौमिक विकिरण। और ये भौमिक विकिरण जो है ये होता है दीर्घ तरंगों के रूप में। ठीक है, भौमिक विकिरण जो होगा ये दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, यानी सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा आती है लघु तरंगों के रूप में, पृथ्वी से टकराकर जब ये लौटती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में, क्योंकि भूमि इसको लौटा रहा है इसीलिए इसका नाम है भौमिक विकिरण। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ये दीर्घ तरंगों के रूप में लौटती है और बीच में कौन है, तो बीच में है वायुमंडल। कौन है, वायुमंडल। ठीक है, और आप जानते हैं कि वायुमंडल में एक गैस है जिसका नाम है CO2। CO2 जो होता है ये ऊष्मा का कुचालक है, जिसके कारण भौमिक विकिरण के द्वारा ये जो ऊष्मा लौट रही होती है ये यहाँ से टकरा करके वापस पृथ्वी पर आ जाती है और कुछ जो है ये अंतरिक्ष में लौट जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये अंतरिक्ष में ये ऊष्मा नहीं लौट पाएगी और पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, दूसरा चीज़ यही है कि आसमान में जिस दिन बादल छाए रहते हैं, बादल भी ऊष्मा का कुचालक होती है, तो बादल भी जो है ये इस ऊष्मा को परावर्तित होने से, अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इसलिए जब बादल छाए रहते हैं तो पृथ्वी में या हमें अधिक गर्मी का एहसास होता है। तो ये आपको विकिरण विधि क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब विकिरण के बाद हम लोग की जो दूसरी विधि है ये है चालन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चालन को। चलिए, ये चालन जो विधि है, इस चालन विधि में ये मुख्य रूप से, इसमें ऊष्मा का संचरण जो होता है ये मुख्य रूप से ठोस में होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक हमारे पास स्टील का गर्म रॉड है। ठीक है, इसको जब हम गर्म किए तो ये जो मैं डॉट दे रहा हूँ ये समझिए ये इसमें ऊष्मा आ गई। ठीक है, जब हम स्टील रॉड को एक ठंडे स्टील रॉड से टच करते हैं तो ये भी धीरे धीरे गर्म होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ऊष्मा के कण हैं ये इसमें इस तरह से समाते जाते हैं। यानी चालन में ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है, यानी इसमें ऊष्मा के कण जो होते हैं ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी ये वस्तु के कण या वस्तु अपना स्थान नहीं बदल रही है। एक लोहे के छड़ को जब हम दूसरे लोहे के छड़ से टच करते हैं तो धीरे धीरे ये लोहे का छड़ भी गर्म होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ऊष्मा थी ये धीरे धीरे इसमें स्थानांतरित हो रही है। तो इस विधि को हम कहते हैं चालन। चालन में पदार्थ के कण अपना स्थान नहीं बदलते हैं। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर जो निहित ऊष्मा है ये ऊष्मा के कण जो हो रहे हैं या ऊष्मा जो है ये अपना स्थान बदल रही है। ठीक है, तो ठोस में ऊष्मा के संचरण में ये विधि यूजफुल है। चूंकि हम लोग वायुमंडल के सेंस में देख रहे हैं इसीलिए वायुमंडल को गर्म करने में चालन विधि का महत्व नहीं के बराबर है। क्यों, क्योंकि वायु क्या है, वायु तो गैस है और गैस में जो होते हैं ये ऊष्मा नहीं, पदार्थ के कण खुद अपना स्थान बदल लेते हैं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल आप ये समझिए कि चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण ठोस में होता है और चूंकि वायुमंडल ठोस नहीं है इसीलिए वायुमंडल को गर्म करने में चालन विधि का जो है महत्व नगण्य है। इससे सिर्फ वायुमंडल की निचली परत यानी जो
पृथ्वी के टच में होती है वो थोड़ी बहुत गर्म होती है, इसीलिए हम इस विधि को यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब आते हैं हम अगली विधि संवहन। संवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है वायुमंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से, पिछले क्लास में भी मैंने थोड़ी सी बात की थी इस पर। अब हम लोग बात करते हैं संवहन। तो ये जो संवहन विधि है, संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण, सॉरी द्रव तथा गैस, ये दोनों में ऊष्मा का संचरण होता है। इसको आप द्रव में समझ लीजिए पहले, फिर आपको गैस अपने आप समझ आ जाएगा। मान लिया एक बर्तन है, इस बर्तन में हम इस तरह से पानी को रखते हैं और इसको गर्म करना शुरू करते हैं। तो जब हम गर्म करेंगे तो देखेंगे ये जो निचली वाली परत है, सबसे पहले ये गर्म होगी, गर्म होने के बाद ये ऊपर उठ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं गर्म होने के बाद पदार्थ के अणु दूर दूर होते हैं, उनका घनत्व घटता है, घनत्व घटेगा तो वो हल्की होगी, हल्की होने के बाद ये ऊपर जाएगी। और ये जब ऊपर चली जाएगी तो इसका स्थान भरने के लिए ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब नीचे आकर ये फिर गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा और ऊपर वाला इस तरह नीचे आएगा। तो इस तरह से ये एक चक्कर चलने लगेगा, है ना, ये गर्म होकर ऊपर और ठंडा वाला नीचे। तो इस तरह से जब ये चलेगा तो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा जल गर्म हो जाता है। तो इसमें आपने एक चीज गौर किया, इसमें क्या हो रहे हैं कि जो पदार्थ के अणु, यानी ये पानी खुद गर्म होकर ऊपर चला जा रहा है, ठंडा वाला नीचे, यानी इसमें पदार्थ के कण अपना स्थान बदल रहे हैं। ठीक है, तो इस विधि को कहते हैं संवहन। और संवहन ठोस को छोड़ करके द्रव और गैस दोनों में काम करती है। अब अगर हम वायु की बात करते हैं तो इस तरह से ये है हमारी पृथ्वी। तो जब पृथ्वी गर्म होती है, तो पृथ्वी गर्म होगी तो पृथ्वी के निकट जो वायु है, ये वायु भी क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद ये वायु हल्की हो करके ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर जा करके ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, है ना, ये ऊपर जाकर ठंडी होगी और फिर ये नीचे उतरेगी। ठीक है, ये ठंडी वायु नीचे उतरेगी, फिर गर्म हो करके ऊपर जाएगी। ऊपर ठंडी क्यों होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है पिछले क्लास में कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे क्षोभ मंडल में तो क्या होता है, तापमान घटेगा, तो ऊपर जा करके वायु ठंडी होकर के नीचे आएगी। इस तरह से ये एक चक्कर चलते रहता है, इसे हम कहते हैं संवहन। और इसके द्वारा एक जो धारा बन रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस धारा को हम कहते हैं संवहनीय धारा। यानी कि ये जो संवहन विधि है वायुमंडल को गर्म करने में, ये संवहन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी संवहन के कारण ही वायुमंडल नीचे से लेकर ऊपर तक गर्म हो जाती है। क्लियर हो गया? अब इसी से लगा हुआ एक और पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं अभिभवन। तो अभिभवन जो है ये संवहन का ही रूप है। संवहन में वायु का प्रवाह जो हो रहा था ये ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हो रहा था, जबकि अभिभवन में वायु का क्षैतिजीय प्रवाह होता है, यानी दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने। ठीक है, यानी कि पवनों की दिशा कैसी हो जाती है, मान लीजिए ऐसे समझिए ये एक क्षेत्र है और ये एक क्षेत्र है। ठीक है, अगर इस क्षेत्र में हाई प्रेशर बन गया और इस क्षेत्र में लो प्रेशर, तो उच्च दाब और निम्न दाब कैसे बनेगा, ये भी हम लोग पहले बात कर लिए थे। अगर इस क्षेत्र में ठंडा है तो जो क्षेत्र ठंडा होगा वहां पर हवाएं क्या होती है, नीचे उतरती हैं, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, उच्च दाब का क्षेत्र। और जहां पर गर्मी है, ठीक है, गर्मी है, यहाँ से हवाएं क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, हट जाती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, तो ये जगह क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, तो ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जिसके फलस्वरूप हवाएं जो है ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर खींची चली जाती हैं। तो इस तरह हवा जब क्षैतिज दिशा में चलती है ना, यानी ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं, तो इसे हम कहते हैं अभिवहन। ठीक है, तो जब ऊष्मा का संचरण इस तरह से होगा, क्षैतिज दिशा में होगा, तो इस विधि को हम लोग कहेंगे अभिवहन। तो अभिभवन क्या है, संवहन का ही एक रूप है। और इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यही याद रखनी है कि वायुमंडल नीचे से ऊपर तक किसके द्वारा गर्म होती है, तो वायुमंडल नीचे से ऊपर तक गर्म होती है संवहन के द्वारा। और विकिरण वाले में ये याद रखना है कि सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है लघु तरंगों के रूप में, लेकिन लघु तरंगों के द्वारा पृथ्वी गर्म नहीं होती है, पृथ्वी गर्म होती है किसके द्वारा, भौमिक विकिरण के द्वारा।
और CO2 वाला मैंने बताया कि वो रोक करके नीचे भेज देती है, तो इस तरह से। तो इतनी बातों को आप याद रखिए, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं तापांतर पर, ठीक है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ताप का अंतर यानी कि तापांतर, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में जो तापमान का अंतर होता है उसे हम कहते हैं तापांतर। तापांतर दो प्रकार के होते हैं, एक दैनिक तापांतर और एक होता है वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर यानी दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे का होता है। तो दिन के सबसे अधिक तापमान और दिन के सबसे कम तापमान के अंतर को हम कहते हैं दैनिक तापांतर। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज दिन का सबसे अधिक तापमान था 24 डिग्री सेल्सियस और रात का सबसे कम टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये कहलाएगा दैनिक तापांतर, ठीक है। दूसरा होता है वार्षिक तापांतर। तो वार्षिक तापांतर यानी वर्ष के सबसे अधिक गर्म महीने का तापमान और वर्ष के सबसे अधिक ठंडे महीने के तापमान के अंतर को हम कहते हैं वार्षिक तापांतर। जैसे मान लीजिए कि मई महीने का सबसे अधिक टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था और जो ठंडा यानी दिसंबर महीने के टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस, यानी साल का सबसे ठंडा दिन ये था और साल का सबसे गर्म दिन ये था, तो दोनों के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है इसे हम कहते हैं वार्षिक तापांतर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसी से संबंधित है सम जलवायु और विषम जलवायु, ठीक है। तो वैसे क्षेत्र जहाँ पर तापांतर जो होता है ये न्यूनतम होता है, ठीक है, जहाँ पर तापांतर जो होगा ये न्यूनतम यानी कि कम होगा, वैसी जलवायु को कहा जाता है सम जलवायु। जो क्षेत्र समुद्र के ज़्यादा निकट होते हैं वहाँ की जलवायु सम होती है। और समुद्र के निकट वाले क्षेत्रों की जलवायु सम क्यों होती है ये मैंने पिछले एक दो क्लास पहले में मैंने आपको बताया हुआ है, जहाँ हमने समुद्र समीर और स्थल समीर पढ़ी थी पवने, तो वहाँ आप जाकर देख लीजिएगा। अब विषम जलवायु जहाँ पर तापांतर जो होगा ये अधिक होगा, तापांतर जहाँ पर अधिक होगा तापमान का अंतर अधिक होगा वहाँ की जलवायु विषम जलवायु होगी। और जो क्षेत्र समुद्र से जितना ज़्यादा दूर होगा वहाँ की जलवायु जो होगी उतनी अधिक विषम होगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब साथ साथ में एक चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं बैरोमीटर का पाठ्यांक, ठीक है। तो बैरोमीटर में पारा बढ़ेगा तो क्या होगा, पारा घटेगा तो क्या होगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी बैरोमीटर में यदि पारा चढ़ता है तो क्या होगा, तो बैरोमीटर में जब पारा चढ़ता है तो ये साफ मौसम का संकेत होता है। बैरोमीटर में जब पारा घटता है तो क्या होगा, बैरोमीटर में पारा दो तरीके से घटता है, कभी ये धीरे धीरे घटेगा और कभी ये अचानक से गिरेगा, ठीक है। तो बैरोमीटर में जब पारा धीरे धीरे घटता है तो ये वर्षा का संकेत होता है और जब अचानक गिरता है तो ये आंधी तूफान का संकेत होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से एक बार दिमाग में फ्रेम करके रख लीजिए, परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।